हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपकी लाई हूँ दिसंबर मंथ में आपका क्या होना चाहिए और जनवरी में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12th वेल्थ पोर्टल जो है वो आपका कंप्लीशन का है। कोई भी चीज़ कंप्लीट हो रही है उसके लिए है, ठीक है। वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी और न्यू बिगनिंग शुरू होगी। तो 12th वेल्थ पोर्टल 12 दिसंबर को खुल रहा है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन आप अभी से कर सकते हैं। अभी से मेडिटेशन करने के लिए आप यहाँ पर या तो आपको लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट है, 3 वीडियो हैं उसमें। 12th वेल्थ पोर्टल क्या होता है वो है, मेडिटेशन है, प्रेयर है। अभी से लेके 21 दिसंबर तक यानी कि 21-12 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। आप इसका मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिसंबर फुल मून है, मैंने इसके लिए मेडिटेशन बनाया है। ये जो दिसंबर फुल मून मेडिटेशन है ये आपको पीस देगा, शांति देगा। कोल्ड मून है, कूलनेस देगा। मैं नामों के हिसाब से मेडिटेशंस बनाती हूँ, उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो 18 दिसंबर का है वो, लेकिन वो अभी मेरा 16 दिसंबर को जो है इस चैनल पर आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं। इन सब का एक सॉल्यूशन मैं लास्ट में आपको दूंगी भी, यहीं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं जिनमें मैं टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को यहाँ ढूंढ नहीं सकते तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर 9825604804, मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको किस दिन क्या करना है वो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाए। और इस फुल मून में मेडिटेशन में मैंने हीलिंग भी दी है। उसके बाद है हमारे जीजस जी का बर्थडे है क्रिसमस के दिन, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस ही करें। ये हैंड्स ऑफ जीसस अट्यूनमेंट मैं 2 साल से दे रही हूँ, उसी वीडियो को मैं फिर से चार्ज करूँगी 25 दिसंबर के लिए, और 25 से 1 दिसंबर तक वो चार्ज रहेगा। वैसे तो आप उस अट्यूनमेंट को कभी भी ले सकते हैं और इसे कोई भी ले सकता है, लेकिन इन 5 दिनों में स्पेशल आपका ये अट्यूनमेंट चैनल रहेगा। और ये लेने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा, उसे आप सेव कर सकते हैं या फिर मेरे फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसको मैं ये 24 नाइट में ही चार्ज कर दूँगी। हैंड्स ऑफ जीसस अटोनमेंट आपको हीलिंग के लिए हेल्प करता है। उस वर्कशॉप को आप देखेंगे तो आपको उसके बारे में सारा पता चलेगा कि उसे कैसे यूज़ करना है और वो सब, ठीक है। उसके बाद है आपका जो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर को हम अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेते हैं, ठीक है, न्यू ईयर को अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करते हैं, कहते हैं कि नए साल में हमें ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसमें एंटर करते हैं तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जो मैंने मेडिटेशन भी बनाया है, कुछ रिचुअल भी दिए हैं न्यू ईयर के लिए, वो आप 12th वेल्थ पोर्टल ख़त्म होने के बाद देखिए। यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, न्यू ईयर है और 12th वेल्थ पोर्टल की एनर्जी भी आपको मिलेगी न्यू बिगनिंग के लिए। तो आपको क्या करना है कि 22 ईयर ही आ रहा है, 22 दिसंबर से इस मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैंने फुल मून मेडिटेशन बताया था वो आप 16, 17, 18, 19, 20, 21 कर सकते हैं, या फिर सिर्फ उसी दिन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और ये आपको शेड्यूल अपना बनाना चाहिए दिसंबर में। उसके बाद जो आप न्यू ईयर मेडिटेशन करेंगे वो आपको 22 दिसंबर से लेकर एटलीस्ट 7 जनवरी तक उसे करना ही चाहिए। वैसे तो फुल जनवरी करना चाहिए, लेकिन आप उसको 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। थर्ड जनवरी तक भी करेंगे तो भी उसकी पॉजिटिव वाइब्स होंगी और आपका एंट्रेंस अच्छा होगा। अब मेरा एक मानना, मैं आपको यहाँ पे न्यू ईयर रिचुअल भी दूंगी। मेरा मानना यह है और मैं 4 साल से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं दिसंबर के
लास्ट वीक में कुछ चीज़ें शुरू करती हूँ और वो मेरी अगले साल जाके डबल होती हैं। कैसे डबल होती हैं? मैं एक कैलेंडर रिचुअल कराती हूँ, उसमें क्या रहता है कि आप एक 2021 का कैलेंडर लीजिए और एक 2022 का कैलेंडर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे पेपर पे बना सकते हैं, 2021 लिख के और पूरा कर जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से कर सकते हैं, और 22 का भी बना सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को आप विजुअलाइजेशन में भी कर सकते हैं। तो आप जो चीज़ न्यू शुरू कर रहे हैं ना, उसको दिसंबर ये पहले वाले करंट ईयर जो चल रहा है उसके कैलेंडर पे उस चीज़ को लिख दीजिए और उसे शुरू कीजिए, ठीक है। और फिर उस चीज़ के ऊपर एक फूल रखिए, ठीक है। और फिर जनवरी के 1 जनवरी को उसी चीज़ को आप उसके ऊपर जो आपने फ्लावर रखा था, दोनों को अलग अलग रखना है, 31 दिसंबर को करना है या जिस दिन आप उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं उस दिन करना है, और उसे रखे रखे। ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर रखें, कोई भी एक चीज़ रख सकते हैं जो मूव कर सके, ठीक है। फिर उसे आपको जो है जो करंट ईयर वाला था कैलेंडर, उसे न्यू ईयर वाले कैलेंडर के ऊपर उलट देना है और वो जो फूल है या जो भी चीज़ है वो 22 में आ जाएगी और उसके उस कैलेंडर के अंदर उसको बंद करके एक कोने में रख देना है, या नदी में बहा देना है, या किसी मंदिर में रख के आ जाना है। इससे क्या होगा, जो चीज़ आप शुरू करेंगे वो अगले दिन डबल होगी, और ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं भी इस साल अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। जो मेरी लाइव क्लासेस हैं वो आपको अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, इन 3 जगह पे मैं अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ। दिल्ली में भी मेरी जनवरी में रहेगी, दिल्ली में मैं पहले से भी करती हूँ वैसे। तो अभी मेरी जो है रेकी 1st लेवल है, ये अहमदाबाद की डेट्स हैं, 25 दिसंबर, रमल ज्योतिष मैं नहीं करूँगी, सिखाऊँगी मेरी एक स्टूडेंट है वो सिखाएगी मेरे रेकी, और मेरे साथ काफ़ी साल से वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, लेकिन उसने रमल ज्योतिष में महारत हासिल किया है, कहा जाए महारत कहें या परफेक्शन कहें, ठीक है, प्रैक्टिस करके। और जो लामा फेरा है वो मैं कराऊंगी 27-28 को, और शाल्विक मंत्रा की भी क्लास रहेगी, वो यहाँ लिखना रह गया, एंजल थेरेपी 5 जनवरी को, ठीक है। ये अहमदाबाद की क्लासेस हैं, वडोदरा और सूरत की डेट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये लाइव क्लासेस हैं। उसके बाद अब न्यू ईयर के लिए मैं आपको एक रेकी भी दूंगी, लेकिन ये जिन्होंने रेकी 1st लेवल किया है या 2nd लेवल किया है वही कर सकते हैं, वो मेरा फ्री रहेगा इस चैनल पर। वो मैंने पहले भी दिया हुआ है, उसे मैं फिर से चार्ज करूंगी, उसे मैं दिसंबर में चार्ज करूंगी, 31 दिसंबर नाइट 12 से लेकर 3 के बीच में उसको मैं चार्ज करूँगी, और फिर वो फुल जनवरी के लिए चार्ज रहेगा, ठीक है। तो न्यू ईयर रेकी आप ले सकते हैं और फुल जनवरी उस मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए, न्यू ईयर रेकी को ज़रूर कीजिए, ताकि आपके इस साल के सारे जो काम काफ़ी सालों से नहीं हो रहे हैं वो हो सकें। और 1 जनवरी से अगर आप सेंट एक्सपर्टाइज जी से भी प्रेयर करें कि इस साल में मेरे ये काम हो जाएँ, तो वो काम हो जाएंगे। और सेंट एक्सपर्टाइजी का भी अटेंडमेंट मैंने फ्री मेरे चैनल पर दिया हुआ है। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर जो यहाँ पर भी दिया हुआ है मैसेज करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी। और मैं न्यू ईयर पैकेज भी एक दे रही हूँ, जिसमें एक हवन रहेगा जो आपके न्यू ईयर को अच्छा करेगा पूरे साल के लिए, जो पीछे की मिस्टेक्स हैं उनको ख़त्म करेगा, और न्यू ईयर रेकी हीलिंग, क्योंकि ये रेकी जो है वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए ये फ्री है। लेकिन जो ये न्यू ईयर रेकी हीलिंग है वो मैं करूँगी 15 दिन के लिए, पहले मैं 11 दिन के लिए दे रही थी लेकिन अभी मैंने 15 दिन के लिए दिया है। और इसमें कार्ड रीडिंग भी रहेगा, आपके कार्ड्स रीड करके बताए जाएंगे कि इस साल में आपको क्या ड्रेस कैसा रहेगा, इसकी 1500 फीस रहेगी। तो ये आप ले सकते हैं, फ्री वाले भी ले सकते हैं और पेड वाला भी ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और जो मेरे फ्री कोर्सेज रहते हैं उनकी फ़ीस यही रहती है कि आप वीडियोस को आगे शेयर करें। थैंक यू।